रामलीला का जो महत्व है, विशेषकर हम अपने आंचलिक रूप में कहें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में करें, तो इसका महत्व हमारे पौराणिक कथाओं से भी है, और साथ ही साथ जो खासियत है रामलीला के महत्व की, विशेषकर पौड़ी की, कि शारदीय नवरात्र में हम इसका आयोजन करते हैं। और शारदीय नवरात्र में ही क्यों आयोजन करते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि हमारे जो देवी के 9 रूप हैं, तो 9 रूपों की तो आराधना, साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान राम हैं, उन्हें विजय प्राप्त की, असुरों का संहार किया, और दशहरे के दिन जिस तरह से माँ दुर्गा का, काली का रूप लेकर के दैत्यों का संहार करती हैं, तो रावण का वध उस रूप में किया जाता है शारदीय नवरात्र के अवसर पर। ये हमारी एक प्रचलित कथाओं के अनुसार यह है। पौड़ी रामलीला मंचन की जो संगीत की अपनी अपनी खास विशेषता है, और 2012 में जब मैं यहाँ पर आया और मैं मेरी इच्छा थी कि मैं इस पे कुछ अभिनय करूँ अपना, तो 2012 में जब मैंने देखा कि यहाँ का संगीत बिल्कुल एक विशेष रूप में है, तो 2012 में तो मैं केवल सुना, मैंने 1 साल केवल इसे सुना, और फिर 2013 से मुझे अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 2013-14 में मैं पहले स्टार्टिंग में मैं सुमंत का पार्ट खेलता था, फिर अंगद का बाली का खेलता था, और उसके बाद जैसे जैसे जुड़ता गया तो 2016 से मैं अंगद का पार्ट मैंने खेला, और उसके बाद 2021 से अंगद और परशुराम जी का भी मैंने चरित्र चित्रण का अभिनय किया है। 2021 से फिर मुझे और जिम्मेदारियाँ कमेटी द्वारा दी गई, जिसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, और मुझे मंच सह निर्देशक का कार्य यहाँ पर का कार्य का निर्वहन करने का दायित्व तो मुझे दिया गया। तो मैंने जो देखा है यहाँ पर, जो कलाकार हैं यहाँ पर, पौड़ी के जो पात्र हैं, वो पात्र को जीते हैं, अपने अभिनय के साथ इस पात्र को जीते हैं, और बिल्कुल उत्साह के साथ, पूरी रुचि के साथ, अपनी तालीम, हमारी 2 महीने पहले से हमारी इसकी अभ्यास स्टार्ट हो जाता है, और एज ए सह मंच निर्देशक इनको 2 महीने पहले से इनका अभ्यास कराना, इनकी वेशभूषा, मंच के दृश्य को तैयार करना, ये सब हम 2 महीने पहले से ही अपना ध्यान रख लेते हैं। पौड़ी रामलीला का ये एक नया अध्याय पौड़ी रामलीला से जुड़ा, कि यूनेस्को द्वारा इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसको चुना गया। ये हमारे बड़ी पौड़ी और पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ी सौभाग्य की बात भी है। तो 2007 में हम तमाम 40-45 आर्टिस्ट, इसका 8 दिवसीय मंचन हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में किया, जिसका आज उनकी लाइब्रेरी में ये मौजूद भी है, और विश्व धरोहर को नामित करने के लिए हम इसमें नामित हुए थे। उस समय हमारे ही चमोली डिस्ट्रिक्ट की रम्माण को विश्व धरोहर चुना गया था, तो उसमें उस लिस्ट में पौड़ी रामला का भी एक नाम जुड़ा है। यह मान ले बड़ी उपलब्धि की बात है। हो तीनों लोकों में मेरे जैसा योग है कहीं नहीं, तुम तो मुझे वर लो। कि आज जबकि आपके ड्राइंग रूम में करोड़ों रुपए के सेट लगते हैं, फिर भी इस ठंड में हम पब्लिक को यहाँ पे ले आते हैं, और हर बार वही चीज़ रिपीट होती है, जबकि हम कोई भी सीरियल एक बार से दोबारा देखना पसंद नहीं करते, चाहे वो करोड़ों रुपए का हो, लेकिन रामलीला सेम वही रामलीला होती है, और आज भी हम यहाँ पर लोगों को लाने में सक्षम होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये रामलीला की बहुत बड़ी सफलता है, और इसमें जो भी हमारे कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, और उसके पीछे भी एक बॉडी होती है जो काम करती है, जो दिखाई नहीं देती है, उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। कलाकार तो मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करता ही है, लेकिन उसके पीछे की जो ताकत होती है, जो 2 महीने पहले से यहाँ पर रिहर्सल हुआ करती है, उनकी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर करनी पड़ती हैं आज के युग में, क्योंकि एक पैसा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिना इसके कोई भी कार्यक्रम चलाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में, बड़ी विकट स्थिति में हम लोग अपने पूरे प्रयास से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, और ये तो
भगवान राम की मैं इस पर कृपा समझूंगा कि आज रामलीला जो कभी 70 के या 60 के दशक में हुआ करती थी, आज भी लगभग हम उसी स्थिति में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुराने लोग आज भी किनारे पर बैठकर रामलीला का आनंद लेते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि रामलीला कमेटी की मैं समझ सकता हूँ। तो मैं एक बानगी आपको, एक छोटा सा दशरथ, जब केकई को भवन में केकई और दशरथ का संवाद होता है, तो जब अपने दो वर मांगने के लिए वो दशरथ से जिद करती है, तो दशरथ उनको मनाने के लिए एक गीत, केकई को समझाने के लिए एक गीत गाते हैं। तो एक थोड़ी सी एक बानगी उस चीज़ की, दशरथ केकई को समझा रहे हैं। बनो ना प्यारी तुम नादान, बनो ना प्यारी तुम नादान, जग में तुम्हारी होगी हसाई, जग में तुम्हारी होगी हसाई, तब सुंदरी यहाँ मान, बनो ना प्यारी तुम नादान। तो एक इस टाइप से बहुत सारे गीत हैं जो दर्शकों को एकदम भावुक भी कर देते हैं। तो एक समय वो था, एक समय ये है, और मैं तो समझता हूँ कि हमारी नज़रों में हम करते हैं, लेकिन दर्शक इस चीज़ को, हम दर्शकों के बीच भी जाते हैं, दर्शक जी ओपिनियन भी लेते हैं, तो दर्शक हमसे बिल्कुल इसी अंदाज में बात करते हैं कि हाँ पौड़ी रामला जो है प्रगति की ओर अग्रसर है, और हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि वाकई पब्लिक का हमें भरपूर सहयोग, भरपूर साथ मिला है और आज भी मिलता जा रहा है, और रामलीला जो है दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पौड़ी की जो ऐतिहासिक रामलीला है ये पूरे उत्तराखंड में नंबर वन पर है, और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा ही नंबर वन पे रहे, और यहाँ ऐसे ऐसे आर्टिस्ट इस रामलीला में काम करते हैं, अपना सहयोग देते हैं, और वो इसी रामलीला से काफ़ी बड़े बड़े मंचों पर काम करते हैं, और हमेशा मैं तो चाहती हूँ, मैं प्रभु श्री राम से यही विश करती हूँ कि ये मंच हमारा जो है कि हमेशा पहले नंबर पर ही रहे, और मैं हमेशा जितना मुझसे हो सकेगा मैं यहाँ पे अपना पूरा समय दूंगी, अभी भी समय दे रही हूँ, और आगे भी मतलब जितना मुझसे हो सके मैं पूरा सहयोग दूंगी। और अब मैं बात करना चाहूँगी कि रामलीला में देखो, हम रामलीला में आते हैं, राम के नाम से आते हैं, हमें कई नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उन नेगेटिविटी को अलग रख के हम पॉजिटिव थिंकिंग ला के हम लोग इस मंच पर आते हैं, और इस मंच के पीछे हम इतनी मेहनत करते हैं। इस बार मैंने सीता में पार्श्व गायन किया, सीता सुपर्णखा सुलोचना और ताड़िका और मंदोदरी का मैंने अभिनय भी किया, और गाने भी स्वयं गाए, और सभी का एक्ट जो है लोगों को बहुत पसंद आया, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं मेरे एक्ट पे, और मुझे बहुत खुशी होती है, लोग मुझे बहुत प्रेम देते हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में, भारी से भारी संख्या में लोग यहाँ रामलीला देखने के लिए आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और इस मंच से जुड़े काफ़ी पुराने ऐसे लोग हैं जो कि अभी यहाँ पर तो अपना समय दे नहीं पा रहे, लेकिन वो दूर से, मतलब जैसे कोई अमेरिका हो गया, मतलब बाहर देश से भी यहाँ की रामलीला देखने को तरसते हैं, और हम तो धन्यवाद करते हैं भगवान श्री राम का कि जो हम इस रामलीला से जुड़े हैं, इस पे हम समय देते हैं और अपना अभिनय हम लोगों तक पहुँचा पाते हैं। मैं हूँ
अगर इस रामलला के बहुत पीछे अगर हम जाएं तो पुराने समय में क्या होता था कि जो ध्वनि विस्तारक यंत्र थे वो थे नहीं, क्योंकि 1897 से लगभग इसका आरंभ माना जाता है और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मजबूरी थी कि जो अभिनय करता है वही गायक भी हो, तो एक दो हुनर को एक व्यक्ति में पाना बड़ा मुश्किल होता था, तो चुनाव करना पात्र का और ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन रामलीला का इतना क्रेज़ था कि लोग उस चीज़ को निभाते थे और एक एक पात्र के लिए लाइन से जैसे इंटरव्यू होता है उस टाइप से ऐसे पात्र खड़े होते थे, तो ये बड़ा उस दौर की बात है। आज धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आज चरम पे है, दिनों दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों ने भी अपना जाल बिछाया, वो सब जो मंचीय चीज़ें हैं वो और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंची। उसके अलावा चाहे वो लाइट की बात करें हम, तो लाइट के जो इफेक्ट है तो रामलला में उस डबल मतलब उसको जान फूंकने में कारगर साबित हुई। तो हमारी रामलला अगर उस समय की बात करें, आज की समय की बात करें, तो इतना अंतर उन चीज़ों में हो जाता है, क्योंकि आज जो सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं वो उस समय नहीं थी। तो आज इसका जो दृश्य रूप में आप मंचन देखते हैं तो वो दुगना उसमें जो आकर्षकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, इसमें कुछ अभिनय प्रयोग भी हमारे विद्वानों ने पुराने किए हैं। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद डोभाल जी ने इसमें कुछ गढ़वाली रचनाओं को जगह दी, उनकी अपनी खुद की रचनाएं थी, तो उन्होंने लोक जनमानस को देखते हुए उसमें कुछ नए प्रयोग के तौर पे कुछ गीतों को जगह दी और वो गीत आज भी गढ़वाली गीत रामलला में शामिल किए गए, आज भी गाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़, पहले इसमें क्या होता कि अब धीरे धीरे इसमें महिलाओं को जुड़ाव हुआ, महिलाएं चाहे वो 6 साल से का बच्चा हो या यहाँ सबसे बड़ी इस रामलला की विशेषता मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा ये कि यहाँ हर आयु वर्ग के व्यक्ति के हर आयु वर्ग के कलाकार के लिए अवसर है, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो और 90 साल के बूढ़े आदमी तक, इसमें सबके लिए जगह है, सबके लिए अवसर है। इस साल मुझे राम का पात्र खेलने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी और किसी के लिए भी गर्व की बात होगी राम का एक पात्र खेलना, जो कि रामलीला में बहुत अहम क्या, सारी रामलीला राम के ही पीछे है, जो राम करवाते हैं वही हम करते हैं। तो उसको पात्र को खेलने में मतलब जो मज़ा था, जो आनंद आया, जो अपने अंदर एक ऊर्जा का हमने संचार देखा, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब वो जो एक हम कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा फील की है, तो वो मतलब एक अलग ही लेवल की होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसे कि वो कैसी होती है, क्या होती है। और इस रामलीला में हम देख रहे हैं कि इस साल भी हमने काफ़ी चीज़ों को नया बनाया है, कई चीज़ें हम अब जमाने के साथ बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को वैसा नहीं दिखा रहे हैं जैसा कि अब वो विगत वर्षों से दिखती थी, अब उसको अपडेट किया जा रहा है। जैसे शिव धनुष हो गया और आपका पुष्पक विमान का हो गया, हनुमान जी का उड़ना तो हम कब से कर रहे हैं, तो इसमें आगे भी हम कई चीज़ें नहीं जोड़ना चाह रहे और आगे जोड़ेंगे, ताकि हम इसको अभी ये 123वीं हमने रामलीला की है, इसको हम चाहते हैं कि ये चलती रहे, हम रहें ना रहें पर रामलीला ये चलती रहे, हमारे आगे भी लोग आएंगे वो भी चलाते रहेंगे, तो इसमें नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी और आदमी जब भी इसको देखेगा, रामलीला सबको पता है राम जी का जीवन कैसे था, क्या था, रामलीला के बारे में सब जानते हैं, पर इसको हर साल देखना, एक ही चीज़ को आप कभी भी देखोगे तो बोर हो जाओगे एक टाइम बाद, पर इसको हर साल देखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो तब हम लोग हैं। और इस चीज़ को चलते हुए अभी इतना समय हो चुका है और लोगों का क्रेज़ अभी भी वही है, हमारे यहाँ भीड़ इतनी हो जाती है पब्लिक को, हमको अटेंड करने के लिए पुलिस की सहायता लगती है और इतना प्यार मिलता है पब्लिक से, जनता से, सबसे इतना प्यार मिलता है कि हम उसको अपने शब्दों में बयां कर भी नहीं पाते। तो जैसे जैसे ये रामलीला बढ़ रही है, जैसे जैसे इसके आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हर चीज़ें बढ़ रही हैं, हर चीज़ किरदार नए नए निकल के आ रहे हैं, अच्छा निकल के आ रहा है और हमारा गायन अच्छा हो रहा है, हमारे एक्ट अच्छे हो रहे हैं, हमारा मंचन बहुत अच्छा हो रहा है और इस चीज़ को हम और बेहतर कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक रामलीला केवल एक राम का पात्र खेलने से या फिर एक सिंगर के होने से या किसी के भी होने से ये पूरी रामलीला चलती नहीं है, इसमें सबका एक जोड़ है, जो यहाँ पे बच्चे आते हैं, जो काम कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब चीज़ का एक निचोड़ निकलता है, तब जाके आपके सामने एक सीन क्रिएट होता है।
तो ये आज भी यहाँ देखा जा सकता है। तो आज हमने उस रामलला को जो रूप दिया है वक्त के साथ साथ, उसमें कुछ अभिनय प्रयोग भी किए हैं, लेकिन अगर म्यूजिक में मैं अभिनय प्रयोग की बात करूं तो हमने कभी भी मूल स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं, और यही हमारी इस रामलला की ताकत भी है। अगर हम उन मूल रचनाओं से छेड़छाड़ करते हैं तो रामलला का अस्तित्व मैं समझता हूं कि नहीं रह पाएगा। और हम अक्षर से उस स्क्रिप्ट का आज भी वैसे ही पालन कर रहे हैं, केवल हमने जो म्यूजिक प्रायोगिक तौर पर, जैसे हमने बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ इंस्ट्रूमेंट बढ़ाए होंगे आकर्षक म्यूजिक को बनाने के लिए, इफेक्ट को लाने के लिए, इस टाइप के प्रयोग किए होंगे। हाँ, चौपाइयों में जो क्लिष्ट चौपाइयाँ थी हमने उनको सरलतम रूप देने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि आज समय को देखते हुए लोगों के पास समय नहीं है, तब भी पौड़ी रामलला का इतना बड़ा क्रेज देखने को जो मिलता है, इतना हुजूम जो लोगों का उमड़ता है, तो ये इस बात का साक्षी है कि लोग उन प्रयोगों को आज भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर भी कहना चाहूँगा कि मूल स्क्रिप्ट से कभी भी छेड़छाड़ भविष्य में भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें वक्त के साथ साथ हमने कुछ भाव नृत्य जोड़े। भाव नृत्य में हम जो सबसे पहले भगवान जो आराधना करते हैं, जो वंदना करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उनमें से जो कंपोजिशन वही पुरानी समय से जो चली आ रही है वही कंपोजिशन है। उसमें हमने थोड़ा बैकग्राउंड वो अपना म्यूजिक कुछ उसको आकर्षक बनाने के लिए उसमें थोड़े म्यूजिक में कुछ प्रयोग करें हैं, क्योंकि डांस के हिसाब से हमने उसमें म्यूजिक ढाला है, तो रिदम के तौर पे जो बच्चों को कुछ स्टेप करने को मिले, तो ये सारी चीज़ें हमने की। तो उसमें भाव नृत्य में बच्चों को ढेर सारे अवसर यहाँ पे दिए जाते हैं। और बाकी जो जी तोड़ मेहनत आप यहाँ पर कलाकारों की, कम से कम 2 महीने तक जी तोड़ मेहनत होती है, और वो जो अंजाम है आपको मंच पर दिखता है। तो संगीत की तो इसमें असीमित संभावनाएं हैं, जितने भी प्रयोग करें वो हमने मर्यादा में रह के करे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात कि ये हस्तांतरण की विधा है, मैंने पहले भी अपने संबोधन में कई जगह ये बात कही है कि ये जो हस्तांतरण की विधा है आज हमने अपने पुरानों से ग्रहण करी, हम इसको नई पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं। चाहे म्यूजिक का क्षेत्र हो, अभिनय का क्षेत्र हो, ये महसूस किया मैंने कि एक बार हम ये कह सकते थे कुछ साल पहले कि इसमें नई पीढ़ी का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। खैर, ये बात कहना भी गलत है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है जब बच्चों का उत्साह, और चाहे वो म्यूजिक की बात करें, चाहे अभिनय की बात करें, चाहे वो नृत्य की बात करें, तो जब ये हुजूम लोगों का दिखता है, कलाकारों का दिखता है, तो हमें लगता है कि रामलला का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। और यही मैं संदेश इसमें देना चाहता हूँ कि इस हस्तांतरण की विधा को नई पीढ़ी हमसे ग्रहण करे, सीखे, और जिस तरह से हमने इसको आगे बढ़ाया है, अब आपके कंधों पे ये भार है, आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और ये आपकी बिल्कुल नैतिक दायित्व भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। जगत किशोर बर्थवाल। मैं पौड़ी रामलीला लगभग 10 साल से खेल रहा हूँ। पिछले 6 साल से मैं लंकापति की भूमिका में यहाँ पर, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। इसे आप मेरा सबसे बेहतरीन और पसंदीदा जो भूमिका है वो रावण की है। जब मुझे रामलला कमेटी पौड़ी ने कहा कि आपको रावण का किरदार करना है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे भी नहीं पता कि मैं खुश क्यों हुआ, क्योंकि मैं रावण को केवल देखता था बचपन से कि हाँ, रावण एक ऊर्जावान जो भूमिका है वो है, लेकिन मुझे रावण के बारे में तब तक कुछ बहुत ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जब मैंने पहली बार पौड़ी के रामलला का इस ऐतिहासिक मंच पर रावण का किरदार जब मैंने निभाया, तो मुझे लगा कि मुझे रावण को पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने रावण को पढ़ना शुरू किया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, और 6 साल के अपने अनुभव और रावण को जीने का जो अनुभव मेरा है, रावण वाकई में ऐसा जीवंत उदाहरण हम कह सकते हैं, हमारे जीवन को ऊर्जा देने वाला वो करेक्टर है। बहुत सारी खूबियाँ हैं
वो सिर्फ बदनाम केवल इसलिए हुए कि उन पर अहम था। लोग कहते हैं उन्होंने माता सीता का हरण किया, वो इसलिए बदनाम नहीं, उन्होंने माता सीता का हरण तो किया, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उन्होंने हरण करके वो अपने घर नहीं ले गए, उन्होंने उनको अशोक वाटिका जैसी पवित्र जगह में रखा, उनकी सुरक्षा में विभीषण की पुत्री त्रिजटा को रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, और फिर एक और इससे बड़ी और महानता की बात बताता हूँ मैं रावण की। जब भगवान राम उनको लंका विजय के लिए चले, तो बहुत ज़्यादा रास्ते भगवान राम को भी पता नहीं थे, रावण ने खुद रास्ते बनाए रावण कि रामचंद्र जी उन तक पहुंच सके, विभीषण को वहां भेजा। और उससे पहले बताते हैं कि जो श्वेतबंधु रामेश्वरम की जो रचना की गई, उसका जो यज्ञ किया, उसके खुद ब्राह्मण का जो भूमिका निभाई वो रावण ने निभाई थी, और उस भूमिका में वो सीता माता को भी ले गए थे, क्योंकि कोई भी विवाहित व्यक्ति का जो यज्ञ होता है वो बिना स्त्री के संपन्न नहीं होता है, और रामचंद्र जी के पास तो स्त्री विवाहित तो थे लेकिन स्त्री का तो हरण हुआ था। ऐसे में अपने पंडित धर्म को निभाते हुए रावण ने माता सीता को भी ले गए, उनका यज्ञ भी पूर्ण कराया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि आप विजयी हों। बताइए ये करेक्टर है रावण का, तो बदनाम कहाँ से। मैं नहीं मानता, और मैं रावण को बिल्कुल बहुत इज्जत भी देता हूँ और इज्जत के साथ उस उनकी भूमिका को निभाता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि लोग मुझे, शायद अब आपके दर्शक भी बताएंगे कि मुझे लगता है लोग मुझे इस भूमिका में पसंद भी करते हैं। हाँ, मैं जरूर था, मैं जो मैं था, जब कहते हैं कि जब रामचंद्र जी ने रावण पे विजय करके वो अपने घर पहुँचे, तो कौशल्या माई ने उनको बधाई दी कि चलो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने रावण का वध कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने रावण का वध नहीं किया, मैंने रावण के अहंकार का वध किया है। मैं सुराधिपति असुराधिपति त्रिलोक विजयी दशानन हूँ, मुझसा बलशाली कोई नहीं, मैं लंकापति रावण हूँ, रावण हूँ। जब मैं यहाँ पे सीता का अभिनय कर रही थी, तो उस बीच मुझे हर जगह से यही सुनने को मिला कि तू सीता बनी है, तू नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। बट जहाँ मुझे सपोर्ट मिला वो ये था कि सभी जितनी भी रामलीला कमेटी थी उन सब का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहा। जैसे कि ये प्रीति दीदी है, इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे व्हाट्सएप में स्पेशली मैसेज करती थी कि यहाँ पे ऐसे करना है, वहाँ पे वैसे करना है, जहीं पे भी कुछ भी होता था वहाँ पे इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमेशा एक्शन भी बताती रहती थी, जब हम करते थे रियल में वहाँ स्टेज पे, तो उन्होंने मुझे इशारे भी किए कई जहाँ पे मैं भूल जाती थी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि इस रामलीला से सभी और लोग भी जुड़े, ताकि हमारी ये जो पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला है वो आगे भी हमेशा ऐसी बची रही, और राम जी के नाम से सभी लोगों को मौका मिले, ताकि सभी पे राम जी का आशीर्वाद बने रहे और रामलीला कमेटी के सदस्यों का आशीर्वाद बने रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं सुबोध रावत, मंच निर्देशक रामलीला कमेटी पौड़ी, विगत बाल्यकाल से ही जुड़ा हूँ। सर्वप्रथम छोटे मोटे पार्ट शत्रुघ्न, भरत और राम की भूमिका में, उसके बाद रामलीला कमेटी द्वारा मुझे मंच निर्देशक की भूमिका में करीबन 25 साल हो गए हैं, और रामलीला में जो ये नए नए प्रयोग होते जा रहे हैं, इसके लिए नव युवक जो आते हैं तो उनकी कुछ राय लेनी पड़ती है, और वो नए नए प्रयोग करने में सक्षम है, तो हम चाहते हैं कि आगे इस रामलीला में नए नए प्रयोग होते रहें, और कलाकार और संगीत इन सबका तारतम्य बना रहे, और हमारी रामलीला आगे निरंतर बढ़ती जाए, यही उम्मीद। जय श्री राम। मैंने यहाँ पे बंदर का पार्ट निभाया है, फिर उसके बाद 2 साल मैंने भाव नृत्य करे हैं, फिर हमने भातखंडे से तबला सीखा है, तो उसका यहाँ पे क्योंकि धुन सुनी ही थी, सारी की सारी धुन सुनी हुई है, तो सब दिमाग में था कि कैसे कैसे ताल होती हैं, तो बहुत अच्छे जल्दी कैच करा। फिर 4 साल हमने यहाँ पे तबला बज संगीत में मैंने दिया है, फिर उसके बाद मैंने गायन में आया हूँ, प्लेबैक में आया था, फिर मेरे को विभीषण की जिम्मेदारी दी गई, विभीषण का पात्र खेलना है,
फिर उसके बाद मैंने 3 साल विभीषण खेला, उसके साथ मेरे को जनक का भी दिया गया कि जनक का भी खेलो। और उसके बाद अब ऐसा है कि मतलब जहाँ तक हमें जो जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम उसको अच्छे से निभाएंगे। और हमारे साथ काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जुड़े हैं जो मतलब हर काम करते हैं, जिनके पीछे रामलला चल रही है बोल सकते हैं हम छोटा छोटा। अगर हमारा कुछ भी काम हो A to Z, मतलब कहीं से कोई सामान लाना हो, किसी को कुछ देना हो, किसी को कहीं से बुलाना हो, किसी को कहीं छोड़ना हो, तो उसमें जो हमारे छोटे भाई बहन हमारे साथ हैं जुड़े हुए, तो उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने इतने बच्चे अपने रामलला कमेटी में जोड़ रखे हैं जो हमें हर छोटे से छोटा काम हमको करके देते हैं। विभीषण और रावण का जब वार्तालाप होता है तो कुछ लाइनें आती हैं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, तेरी करतूत का सब पता चल गया, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, तेरी करतूत का सब पता चल गया। पुरानी बात करें तो मंच पहले यहाँ पर लकड़ी का हुआ करता था, हम तो उस समय खैर पैदा भी नहीं हुए थे। ये जो रामलीला है 123 साल पुरानी रामलीला है, और उस समय के लोग कैसे व्यवस्थाएं करके ये मंच को निर्माण करते रहे होंगे ये तो वही जानते हैं। पर हम जब आए तो हमारा सौभाग्य भी है कि हमें एक बना बुना मंच हमें यहाँ पर मिला, और हमारी कोशिश यही है कि अब इस मंच में हम पौराणिकता को भी बनाए रखें और आधुनिक प्रयोगों को भी जनता के सामने प्रस्तुत करें। तो हमारा पूरा प्रयास यह रहता है कि अपने जो भी हमारे नई चीज़ें हैं, नए चाहे साउंड के इफेक्ट हों, चाहे हमारे लाइट इफेक्ट्स हों, चाहे हमारे वेशभूषा हो, चाहे हमारा मेकअप हो, हर एंगल से हम इसको दर्शकों के सामने बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करते हैं, और यह सार्थक भी होता है। आपने देखा भी होगा कि रामलीला मंचन में कई दर्शक यहाँ पर जगह नहीं मिल पाती है हमें, इतना लोगों के प्रति यहाँ पे लोगों का रामलीला के प्रति इतना जुनून है, इतना पसंद करते हैं लोग आज की डेट में रामलीला को देखने के लिए। और निश्चित रूप से हम पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतर प्रयोग करके बेहतर मंचन यहाँ पर करें, दर्शकों को दिखाएं। और आज के युग में जो हम यंग जनरेशन है वो भी इसमें बहुत लगाव के साथ यहाँ पर आती है, जबकि आज की डेट में हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास केबल हैं, अपने घर में मनोरंजन के कई साधन हैं, परंतु फिर भी ये जो हमारी स्क्रिप्ट है, जो मंचन है, इतना बढ़िया हम प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ पर जगह नहीं मिल पाती है लोगों को बैठने के लिए, इतना जनता का इतना प्यार हमें मिलता है, और हम निश्चित रूप से कोशिश करते हैं कि इसको बनाए रखेंगे। इस पूरी रामलीला में जब मैं रावण का की भूमिका निभाता हूँ, एक अजीब सी मुश्किल में फंस जाता हूँ। एक तरफ राम सेना लेके खड़े हैं और दूसरी तरफ मेरा भाई विभीषण मुझसे गद्दारी कर देता है। वो मुझे ऐसी ऐसी बातें, अधर्म की बातें सिखाते हैं कि नहीं तुमने गलत कर दिया। ठीक है, रावण ने कोई गलती कर दी है, वो हो सकता है, लेकिन अगर अपने भाई उसी गलती पे कोसते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मेरे भाई आशुतोष नेथानी जो विभीषण की भूमिका में मेरे साथ पिछले 2-3 साल से खेल रहे हैं, वो जब कहते हैं कि भाई आपने गलत किया है, आप राम की शरण में चले जाओ, तो ये लंकापति को थोड़ा सा चुभता है। वो एक ऐसा समय होता है जब मुझे निर्णय लेना पड़ता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और बड़ा कठिन समय होता है क्योंकि मैं रावण हूँ। मैं अपने भाई को अपने घर से, अपनी लंका से निकल जाने को कहता हूँ, उन्हें धक्के मारकर निकालता हूँ। स्वाभाविक तौर पर एक अजीब सी मुश्किल मेरे लिए भी होती है क्योंकि राम की सेना सामने खड़ी है। जब राम रावण युद्ध होता है, क्योंकि रावण के पास भी अजय अस्त्र थे, उसने भी भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त थे, मेरी नाभि में अमृत होता है और मेरी मृत्यु उसी अमृत के पर ही टिकी रहती है। तो जब राम तीर चलाते चलाते थक जाते हैं, वो विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं, मेरी माया जाल में फंस जाते हैं, तो विभीषण ही उनके सामने आकर उन्हें बताते हैं कि आप जो है रावण की नाभि में तीर मारिए।
और तब रावण की मृत्यु होगी। स्वाभाविक तौर पर वो क्षण जब वो तीर मुझ पर लगता है तो राम भी एक इसलिए जीत जाते हैं कि उनके साथ उनका लक्ष्मण जैसा भाई रहा जो 14 साल सोता नहीं है, रात दिन राम की रक्षा में सुरक्षा में रहता है, और मेरे साथ मेरा भाई नहीं रहता, वो दुश्मन के साथ मिल जाता है, रावण इसलिए हार जाता है। तो कुछ भूमिकाएं रावण की उसमें बड़ी अजीब सी होती हैं, लेकिन फिर भी रावण तो रावण है। एको अहम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। मैं जो शब्द है रावण का वो अपने आप में रावण को अमृत तो भी प्रदान करता है। देव क्या दानव क्या तीनों लोकों को जीता मैंने, जिस जमी पर पांव रख दिया वो मेरी हुई, वरना सब मिट्टी में मिला दिया मैंने।